हेलो एवरीवन, दिस साइड रिद्धि सोरल फ्रॉम हैकर्स व्लॉग। एंड आज का जो टॉपिक है मेरा वो JWT ऑथेंटिकेशन है। सो बहुत सारे रिक्वेस्ट करा था स्टूडेंट्स ने कि JWT क्या होता है, JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है, फिर इस पे अटैक्स होते हैं, ये एक वल्नरेबिलिटी भी काउंट होती है, तो ये चीज़ क्या होती है, इसे किस तरीके से हम समझ सकते हैं। सो आज इतने टाइम बाद आफ्टर ऑब्वियसली आफ्टर मैरिज मैं अब अपना लाइव सेशन लेके आई हूँ। सो आप ध्यान से समझें कि JWT क्या होता है, JWT ऑथेंटिकेशन क्या है, एंड ऑब्वियसली फिर वो बग क्या है, वो वल्नरेबिलिटी क्या होती है। ऑल राइट, सो हम चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज JWT, दैट इज जेसन वेब टोकन, क्या चीज होती है। सो अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट स्क्रॉल करी होगी, अक्सर आपने साइन अप लॉग इन किया होगा, आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरी होंगी, उस पर भी जो यूज़र डिटेल्स होती हैं वो आपने भरी होंगी। सो वहाँ पे हमारे सामने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी हम कोई डेटा फिलअप करते हैं सो वो डायरेक्ट सर्वर पे जाता है, वो डायरेक्ट बैकएंड पे जाता है, एंड वहाँ से रिवील होके फ्रंट पे आता है, जो हमें स्क्रीन पे दिखता है कि हमारा डेटा सेव हो गया, हमारे डेटे में कोई इशू आ गया, या कोई मींस कोई हमने पासवर्ड स्ट्रांग नहीं रखा, या यूज़र नेम दोबारा से रिपीट कर ले, तो जैसी भी तरीके की दिक्कत आती है, राइट। सो जेसन वेब टोकन का काम क्या होता है कि ये एक तरीके से टोकन होता है, और ये टोकन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। हेडर होता है, फिर बीच का पार्ट होता है, एंड देन लास्ट में पार्ट होता है। तो वो अपन पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे, मैं आपको पूरा समझाऊंगी विद प्रैक्टिकल बताऊंगी, सो आपको और ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। सो फटाफट से क्लास में बैठें, ढंग से समझें कि ये चीज़ क्या होती है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सो जेसन वेब टोकन इज एन ओपन स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस अ कॉम्पैक्ट एंड सेल्फ कंटेन्ड वे फॉर सिक्योरिंग ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज एज अ जेसन ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब हमें कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि ये गूगल डेफिनेशन है, राइट। सो अब मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ कि बेसिकली जेसन क्या होता है, क्योंकि जेसन हमें समझ में आएगा तो डेफिनेटली हमें, सॉरी, हमें जब JWT समझ में आएगा तो JWT वल्नरेबिलिटी भी समझ में आ जाएगी, ओके। सो पहले हम समझते हैं JWT वेब टोकन क्या करता है ये चीज़। सो ये 2 पार्टीज के बीच का फ्लो होता है, मीन्स यहाँ से जब भी डेटा फ्लो हो रहा है उसके बीच का पार्ट होता है हमारा जेसन ऑब्जेक्ट। सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड बिकॉज इट इज़ डिजिटली साइंड। अब ये चीज़ इसलिए ट्रस्टेड होती है क्योंकि ये डिजिटली साइंड होती है। डिजिटली साइंड का मतलब क्या है कि ये वेरीफाइड होती है, ये रिक्वेस्ट वेरीफाइड होती है, इस वजह से इसके ऑब्जेक्ट पास होते हैं। सो JWT कैन बी साइंड यूजिंग अ सीक्रेट HMAC एल्गोरिथम और अ पब्लिक और द प्राइवेट की। सो बेसिकली JWT क्या होता है, ये एक तरीके की सीक्रेट होता है या पब्लिक प्राइवेट कीज होती हैं। ऑल राइट, सो ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई की जाती है, ट्रस्ट किया जाता है, ट्रस्टेड, ओके। सो हमारे सामने अभी ये चीज़ क्लियर है कि जेसन वेब टोकन क्या होता है। जेसन वेब टोकन स्पेसिफिकली हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के बारे में बताता है कि 2 पार्टीज़ के बीच का रिलेशन, जैसे अगर हमें यहाँ से कोई डेटा पास करना है सो वो जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट जाती है फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, सो वही चीज़ यहाँ पे है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे एक्चुअल में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो है व्हेन शुड यू यूज़ जेसन वेब टोकन्स, ठीक है ना। आप कब यूज़ कर सकते हैं जेसन वेब टोकन्स, एक होता है ऑथराइजेशन, एक होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एक होता है ऑथराइजेशन और एक होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सो ऑथराइजेशन में क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिनेरियो फॉर यूजिंग JWT, ठीक है ना। सो ऑथराइजेशन क्या होता है, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑथराइजेशन होता है, एक ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी, जैसे हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हैं सो हमारी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, हमारी आइडेंटिटी सिक्योर रहे, ये सारी चीज़ें हमारे ऑथेंटिकेशन में आती हैं। ऑथराइजेशन में क्या आता है कि वंस यू आर गेटिंग इन टू द सिस्टम, उस टाइम पे आपको क्या क्या एक्सेस मिलना चाहिए। जैसे आज एक कॉफ़ी शॉप है, ठीक है ना, एक कॉफ़ी शॉप पे एक ऑलरेडी मैनेजर बैठा है और एक हमारे पास वहाँ पे एम्प्लॉय बैठा है, एम्प्लॉय इन द सेंस एक वहाँ पे कैशियर बैठा है। सो दोनों के जो यूज़र रोल्स हैं, दोनों के जो यूज़र रोल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, समझ रहे हैं, दोनों के यूज़र रोल्स डिफरेंट है। एक है मैनेजर जिसको हमने अलग से एडमिन पैनल दे रखा है पूरा मैनेजमेंट का, कि कैसे रेस्टोरेंट में कौन सी सीट्स पे कौन कौन से लोग बैठे, क्या उनका मेन्यू है, क्या उनका बिलिंग है, सब कुछ उसके सामने। और एक कैशियर है जो सिर्फ
सिर्फ एक कैशियर पोर्टल संभाल रहा है जहाँ पे वो एंट्रीज रख रहा है कि कितने कितने का आज एक्सपेंस हुआ, कितने का आज मींस कितना कस्टमर्स को आज मील डिलीवर किया, क्या क्या चीज़ें डिलीवर किया, कितना कप ऑफ टी डिलीवर किया। सो ये इस तरीके से इधर चीज़ आएगी, क्लियर है? सो ऑथराइजेशन का बेसिकली मतलब होता है, अब सबसे पहले यहाँ पे ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिनेरियो फॉर यूजिंग JWT वंस द यूजर इज लॉग्ड इन। जब यूजर लॉग्ड इन हो जाएगा सो उस टाइम पे कौन सी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, मींस ईच सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट विल इंक्लूड द JWT अलाउइंग द यूजर टू एक्सेस द रूट्स सर्विसेज एंड रिसोर्सेज दैट आर परमिटेड विद दैट टोकन। सिंगल साइन ऑन इज अ फीचर दैट वाइडली यूजेस JWT नाउ डेज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल ओवरहेड एंड इट्स एबिलिटी टू इजिली यूज अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। ओके, अब इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सो बेसिकली ऑथराइजेशन क्या हो गया यहाँ पे, हम जब यूजर लॉग्ड इन कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हमने यूजर लॉग्ड इन किया उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ों का एक्सेस मिला, क्या क्या चीज़ों का एक्सेस मिला, मीन्स यहाँ पे अगर हम JWT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किन किन रिक्वेस्ट में हम JWT इंक्लूड करके सेंड कर रहे हैं, कौन कौन सी रिक्वेस्ट इंक्लूड कर रही है JWT मींस जेसन वेब टोकन को इंक्लूड कर रही है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में क्योंकि हमारा टॉपिक मेन चीज़ अभी ये चल रहा है व्हेन शुड यू यूज जेसन वेब टोकन, कब आपको जेसन वेब टोकन यूज़ करना है, जब आप ऑथराइजेशन फीचर में रहेंगे तब आप इस पर्टिकुलर टोकन को यूज़ करेंगे। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज में क्या आ जाएगा, जेसन वेब टोकन्स आर अ गुड वे फॉर ऑफ सिक्योरली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सिक्योरली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द पार्टीज, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है पार्टीज के बीच में। सो जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी पार्टीज के बीच में वहाँ पे हम जेसन वेब टोकन यूज़ करेंगे। जब भी ऑथराइजेशन आएगा तब हम जेसन वेब टोकन यूज़ करते हैं बिकॉज JWTs कैन बी साइंड फॉर एग्जाम्पल यूजिंग पब्लिक प्राइवेट की पेयर्स। यू कैन बी श्योर दैट सेंडर्स आर हु दे से दे मीन्स हु दे से हु दे आर, कौन है वो, क्या कह रहे हैं वो। एडिशनली द सिग्नेचर इज कैलकुलेटेड यूजिंग हेडर्स एंड पेलोड। सो सिग्नेचर्स जो भी होते हैं मीन्स हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, हेडर होता है, पेलोड होता है एंड सिग्नेचर होता है। सो सिग्नेचर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हेडर और पेलोड के बिहाफ पे। सिग्नेचर हमेशा हेडर और पेलोड के बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट कंटेंट हैजंट बीन टैम्पर्ड विथ, और आप ये चीज़ हमेशा देखेंगे कि कंटेंट टैम्पर्ड ना हो मीन्स खराब ना हो, ठीक है ना। सो जब भी हमें जेसन वेब टोकन यूज़ करना होगा उस टाइम पे ऑथराइजेशन काम आएगा एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज काम आएगा। नाउ हमारे पास चीज़ आती है कि जेसन वेब टोकन स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो जैसे अभी मैंने आपको लास्ट में बताया कि जेसन वेब टोकन क्या करता है, सो वो हेडर है, पेलोड है एंड सिग्नेचर है, ठीक है ना, ये तीन चीज़ें हैं। सो जेसन वेब टोकन में क्या आता है, हेडर आता है, पेलोड आता है और सिग्नेचर आता है, तीन चीज़ें। अब हेडर किस तरीके से क्या शो करता है, पेलोड क्या शो करता है और सिग्नेचर क्या शो करता है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी, पर उससे पहले हम फटाफट से ये स्लाइड और क्लियर कर लेते हैं जिससे हम फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। JWT अटैक्स, JWT अटैक्स क्या काम करते हैं, ठीक है ना। सो अभी तक तो ये था कि जब भी हम दो पार्टीज के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहा था जेसन वेब टोकन की वजह से हम, ठीक है ना, पर अगर उसी रिलेशनशिप में कुछ मेलिशियस कोड आ जाएगा या कुछ भी टैम्पर्ड डेटा हो गया, जहाँ से रिक्वेस्ट जानी चाहिए अगर गलत जगह से रिक्वेस्ट गई या गलत मैन्युपुलेट होकर रिस्पॉन्स आया ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, सो वहाँ पे हमारा अटैकर मीन्स वहाँ पे हमारे अटैकर्स मिसयूज कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। सो इसको समझते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट हाउ डिज़ाइन इश्यूज एंड फ्लॉड हैंडलिंग ऑफ जेसन वेब टोकन्स कैन लीव वेबसाइट वल्नरेबल टू अ वेराइटी ऑफ हाई सीवियरिटी अटैक्स। JWTs आर मोस्ट कॉमनली यूज इन ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन में यूज होंगे, सेशन मैनेजमेंट में यूज होंगे, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में यूज होंगे। दीज वल्नरेबिलिटीज कैन पोटेंशियली कॉम्प्रोमाइज द एंटायर वेबसाइट्स एंड इट्स यूजर्स। ओके,
सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से वल्नरेबिलिटीज होती हैं, कैसे मतलब वो किस तरीके से एंटायर वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। अगर आपको पता है ऑथेंटिकेशन क्या होता है, सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, तो वो यहाँ पे ये चीज़ इशू कर जाएगी, ठीक है ना। सो जब भी हमारे दो पार्टीज के बीच में जेसन ऑब्जेक्ट फ्लो होगा, उस टाइम पे हमारे पास ये चीज़ देखी जाएगी कि अगर अगर सपोज कोई भी डेटा हमारा फ्लो हो रहा है और उस बीच में कोई अटैकर मैनिपुलेट कर जाता है रिपोर्ट रिक्वेस्ट को या ऑब्जेक्ट को, सो डेफिनेटली वहाँ पे JWT वल्नरेबिलिटीज पाई जाएंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये जो ऊपर पर्टिकुलर पार्ट लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर पार्ट आपको क्या बताना चाह रहा है, फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हमेशा हमारा हेडर होता है, सेकेंड पार्ट हमेशा हमारा पेलोड होता है, एंड थर्ड वाला जो चीज़ होती है वो हमारी सिग्नेचर आती है। सो उस पर्टिकुलर पेलोड को हमने किस तरीके से यहाँ पे एक एल्गोरिथम के फॉर्म में समझ रखा है, ALG नन है, TYP JWT है, एंड देन यूजर विनर इज एडमिन ट्रू। अब अगर हमें JWT का फॉर्मेट समझना है, JWT का फॉर्मेट समझना है, तो किस तरीके से समझेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर वाइट ब्लॉक में आपके सामने जेसन ऑब्जेक्ट लिख रखा है, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमेशा उसका हेडर होता है, सेकेंड पार्ट हमेशा उसका पेलोड होता है, थर्ड पार्ट हमेशा उसका सिग्नेचर होता है। अब ये चीज़ होती कैसे है, ये आती कैसे है, ये हम एक बार फटाफट से प्रैक्टिकल के थ्रू देख लेते हैं। सो उसके लिए हमें कहाँ पे चलना रहेगा, हमें उस चीज के लिए अपने फायरफॉक्स पे चलना रहेगा, फायरफॉक्स रहेगा और आपका एक बर्प सूट रहना चाहिए, ठीक है ना। बर्प सूट का एंड फायरफॉक्स का प्रॉक्सी सेट कर लें, इधर 127.0.0.1 पे कर दें या फिर उसको अपनी स्पेसिफिक आईपी के थ्रू सेट कर दें, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्टस्विगर लैब को ओपन करेंगे, हम पोस्टस्विगर लैब को ओपन करेंगे एंड फिर ऑल लैब्स में जाएंगे, इस पे भी लॉगिन कर लेंगे एक तरीके से प्रॉपरली। नीचे जाएंगे JWT टोकन पे एंड हमारे पास जो फर्स्ट उसका पार्ट होगा, दैट इज JWT ऑथेंटिकेशन बाईपास वाया अनवेरीफाइड सिग्नेचर्स। सो इसमें बेसिकली हमें क्या बता रखा है, हम पहले उसको समझ लेते हैं। दिस लैब यूजेज अ JWT बेस्ड मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग सेशंस, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉज द सर्वर डजेंट वेरीफाई द सिग्नेचर्स ऑफ एनी JWTs दैट इट रिसीव्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी, मीन्स एक तो हमारे पास यूज़र लॉगिन रहेगा और एक हमारे पास ये रहेगा कि जब हमारे पास यूज़र लॉगिन हो गया है उसके बाद हम उसका रिकॉर्ड किस तरीके से चेंज करें, ठीक है ना। अगर हम उसका रिकॉर्ड चेंज कर देते हैं तो हम ऑब्वियसली, और अगर रिकॉर्ड चेंज करने के बाद हम उसमें इंट्रूज कर जाते हैं, मीन्स उसके अंदर इनपुट कर जाते हैं, सो ऑब्वियसली ये फिर वल्नरेबिलिटी कंसीडर की जाएगी। ऑलराइट, सो हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है, टू सॉल्व दिस लैब मॉडिफाई योर सेशन टोकन्स टू गेन एक्सेस टू द एडमिन पैनल एट स्लैश एडमिन देन डिलीट द यूजर कार्लोस। यहाँ पे एक यूजर रहेगा, अभी एक यूजर से हम लॉग इन कर रहे हैं, दैट इज वीनर एंड पीटर, मीन्स वीनर इज यूजर नेम एंड पीटर इज पासवर्ड। और फिर जब हम उसमें अगर हम इसके JWT का जो टोकन है अगर उसमें हम चेंजेस कर देते हैं और एक्चुअल में चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं, तो उसके बाद जो हमको एक यूज़र डिलीट कर देना है, दैट इज़ कार्लोस की यूज़र, ऑल राइट, जो कि एडमिन अकाउंट पे रहेगा। तो कैसे होगा, हम एक्सेस करते हैं लैब को, हम लॉग इन करके गए, हम माय अकाउंट पे जाएंगे,
हम यहाँ पे वेनर से लॉग इन करेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम वर्ब सूट में जाके इंटरसेप्ट ऑन कर लेंगे। इन केस अगर हिस्ट्री में ये सब चीज़ें शो हो रही है तो वेल एंड गुड, और अगर ये हिस्ट्री में शो नहीं हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम इंटरसेप्ट पे जाएंगे, इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे एंड पेज को रिलोड कर लेंगे। सो आप ये देख सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट आई माई अकाउंट एंड ये जो कुकी सेशन है, हम पहले इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिपीटर में ले लेंगे। ये पहली रिक्वेस्ट है, ये दूसरी रिक्वेस्ट, मींस ये जो कुकी सेशन है हमारा, इसमें ये फर्स्ट जो है हमारा वो है स्पेसिफिकली, इस चीज़ को हम हेडर कहेंगे क्योंकि यही पूरी रिक्वेस्ट है जो हमने अपनी स्लाइड्स में देखी थी। ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट होती है, ये किस तरीके से डिवाइडेड होती है, जेसन वेब टोकन जो होता है वो किस तरीके से डिवाइडेड होता है, हम उस चीज़ को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हेडर है एंड देन सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो पेलोड है एंड थर्ड पार्ट जो है हमारा वो सिग्नेचर है, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा 200 ओके, मीन्स ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिस्पॉन्स दे रही है, दैट इज़ 200 ओके। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में जाएंगे एंड देन हम पेलोड पे जाएंगे। इस पेलोड में आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट डिकोडेड फ्रॉम दिखेगा। सो यहाँ पे आपको वीना दिखेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। ऑलराइट, हम जैसे यहाँ पे अप्लाई चेंजेस करेंगे, हमारा ये जो जेसन टोकन है इसमें भी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। इसमें चेंजेस अप्लाई हुए, देन जब ये चेंजेस अप्लाई हुए तो हम अब हम उसको चेक कैसे करेंगे। उसे चेक करने के लिए हम एडमिन अकाउंट को एक बार डिलीट करके देखेंगे जो कि इन्होंने यहाँ पे बोला था। सो इट इज़ हेयर, हम एडमिन अकाउंट को किस तरीके से डिलीट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड हम यहाँ पे रिक्वेस्ट में पेस्ट कर देंगे। रिक्वेस्ट में जब हम पेस्ट करेंगे सो वो रिस्पॉन्स देगा 302 फाउंड। ऑलराइट, अब इसको चेक करने के लिए कि ये एक्चुअल में डिलीट करेगा नहीं करेगा कालोस अकाउंट, जो कि एडमिन का, एडमिन जनरेट कर रहा है, एडमिन के थ्रू है, एडमिन पोर्टल पे है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं एंड पोस्ट विगल लैब पे चलते हैं। पोस्ट विगल लैब में हम जैसे ही लोड करेंगे तो हमारे पास कंग्रेचुलेशंस लिखा जाएगा, यू सॉल्व द लैब। इसका मतलब क्या है कि हमें जो एडमिन पे कार्लोस को डिलीट करना था वो डिलीट हो गया है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम इस तरीके से समझेंगे कि जब भी कभी भी हमारे पास जेसन वेब टोकन होता है तो वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है हेडर, सेकेंड है पेलोड एंड थर्ड है सिग्नेचर। ऑलराइट, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम पेलोड में चेंजेस करते हैं, और चेंजेस के बाद जो चीज़ हम डिलीट करना चाहते हैं या किसी में इंट्रूज करना चाहते हैं, अगर वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो इसका मतलब हमारा जेसन ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया, वो भी अनवेरीफाइड सिग्नेचर, क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं कि JWT जो भी सिग्नेचर जनरेट करता है वो वेरीफाइड होता है, डिजिटली वेरीफाइड होता है। बट अगर हम उसको देखें कि हम उसको किस तरीके से बाईपास कर गए एंड वो पर्टिकुलर चीज़ अनवेरीफाइड है। अनवेरीफाइड क्यों है, क्योंकि हम उसमें चेंजेस कर पा रहे हैं लेकिन उसको कोई फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। सो यही चीज़ अटैक
हैकर भी करता है, अगर आप उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को डिकोड करते हैं, जब डिकोड करेंगे सो ऑब्वियसली आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एंड उसे इन्फॉर्मेशन में जब आप चेंजेस करेंगे सो डेफिनेटली अगर वो चेंज हो जाता है तो ऑब्वियसली जेसन वेब टोकन में वल्नरेबिलिटी है, अदरवाइज जेसन वेब टोकन में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। सो होप आपको ये मेरा जेसन ऑथेंटिकेशन बाईपास वाया अनवेरीफाइड सिग्नेचर समझ में आया हो, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स अगर कोई डाउट है इसमें, एंड फिर मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँगी इसी से रिलेटेड। तो पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कोई इसमें डाउट है, या आपको अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन इट। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, यहाँ पर मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।